नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। दिलजीत दोसांझ और जैजी बी मशहूर पंजाबी सिंगर्स हैं। इन दोनों पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप ये है कि दिलजीत और जैजी बी अपने गानों से युवाओं को उकसा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इन दोनों के खिलाफ पंजाब के थानों में केस दर्ज कराने को कहा है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से इन दोनों के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। बिट्टू के आरोपों पर जैजी बी का जवाब तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन दिलजीत ने जवाब दिया है। उन्होंने बिट्टू के आरोपों को नकारा है। अब आपको मामला बताते हैं। इस कहानी में तीन किरदार हैं। पहले रवनीत सिंह बिट्टू, वो लुधियाना से कांग्रेस सांसद हैं। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी 1995 में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। रवनीत सिंह दो बार सांसद चुने जा चुके हैं। दूसरा नाम दिलजीत दोसांझ, पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक से जाने जाते हैं, फेमस कलाकार हैं, हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। तीसरा नाम जैजी बी, मशहूर पंजाबी सिंगर, दिल लुटिया इनका बहुत फेमस गाना है और भी कई गाने हैं जो इनके सुने जाते हैं और ये भी काफ़ी फेमस हैं, अभी कनाडा में रहते हैं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। रवनीत सिंह बिट्टू ने 18 जून को एक बयान जारी किया, कहा कि दिलजीत और जैजी बी खालिस्तान समर्थक संगठनों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। अपने गानों में भी वो खालिस्तानी संगठनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बिट्टू ने दोसांझ के गाने रंगरूट और जैजी बी के गाने पर एतराज जताया है। उन्होंने दिलजीत और जैजी बी से कहा, यदि आपको पंजाब के लोग बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं तो जेल की हवा भी खिला सकते हैं। आप लोग पंजाब का खाकर अब देश और पंजाब के खिलाफ गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि आप पंजाब के नौजवानों के खून के प्यासे हो गए। हमारे बच्चों को हथियार उठाने को कह रहे हो, आपकी ये गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने धमकी देते हुए दिलजीत और जैजी बी से कहा कि वो सोच समझ कर पंजाब आए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से थानों में इन दोनों के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत करने की अपील की है। अब दिलजीत ने जो बयान दिया है वो जानिए। इसके बाद हुआ क्या कि 22 जून को दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके जिस गाने पर एतराज़ किया जा रहा है वो साल 2014 की फिल्म का है। फिल्म का नाम था पंजाब 1984। इस फिल्म और उसके गानों को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दी थी। दोसांझ ने ये कहा कि फिल्म को भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया था, इसलिए उन्हें नहीं पता कि 2014 में रिलीज हुई फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिला है उसके गाने पर FIR कैसे हो सकती है। अब इस फिल्म के गाने पर हल्ला क्यों मचा है, अब इस पर मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई आपत्तिजनक बात होती तो सेंसर बोर्ड इसे क्लियरेंस क्यों देता और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए क्यों चुना जाता। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, एक बार फिर से फिल्म और गीत को देखें और समझें कि मैंने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। मैं भारत का एक टैक्स पेयर हूं जो हमेशा ज़रूरत के समय भारत और पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूं। वहीं जैजी बी का, जैसे कि हमने आपको बताया, इस मामले पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। उनके जिस गाने पर एतराज़ जताया जा रहा है उसे आप देख सकते हैं हमारी स्टोरी में। इवन आप रंगरूट को भी देख सकते हैं हमारी स्टोरी में, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। आप अपने कॉमेंट्स शेयर कर सकते हैं।